झीलों की नगरी का दृश्य आप देख रहे हैं। यह सज्जनगढ़ का मुख्य रोड है जहां पर बजरी तो डाली गई है, लेकिन अब रोड कब बनेगा यह देखने वाली बात है। रोड पर जिस प्रकार से गिट्टियों का ढेर लगाया गया है और ऊपर से जो बारिश का जो बरसात का सीजन जो है वो लगातार चल रहा है, और आप जो दृश्य देख रहे हैं कि जगह जगह पानी जो है रोड पर भरा हुआ है। और ये आपको बता दें कि सज्जनगढ़ का जो है मुख्य रोड है, यहाँ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, पूरा सज्जनगढ़ हेरिटेज कैंपस है, लेकिन ये रोड जो है लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है। पिछले कई सालों से प्रतीक्षा कर रहा है अपने मरम्मत को लेकर, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की कोई इस ओर सूद नहीं है। बड़ी संख्या में उदयपुर में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और ऐसे गड्ढे वाले रोड देखकर उनके दिल पे क्या बीती होगी, यह तो आप जान ही सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे जो गिट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं, और गिट्टी के ढेर भी ऐसे लगाए हैं कि अगर कोई एक बस आ जाए तो दूसरी गाड़ी निकल नहीं पाए। जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस रोड को दुरुस्त कराए और उदयपुर हमारा एक खूबसूरत शहर है और इसकी शोभा बढ़ाए, इसकी कीर्तिमान बढ़ाए। लगातार हो रही बरसात से और भी पानी बड़े गड्ढे हो सकते हैं, काफ़ी सैलानी अपनी कारें लेके आते हैं और कारों आप जानते हैं कि कारों के छोटे व्हील जो है छोटे गड्ढों में गिर जाते हैं, उसके बाद कितनी परेशानी हो सकती है पर्यटकों को। तो आप देख रहे हैं सज्जनगढ़ का ये मुख्य रोड किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो रहा है और ये बड़ी बड़ी बजरी जो है वो रोड पे डाल दी गई है और अभी तक इसको कोई दुरुस्त करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और दूसरी ओर देखें तो जो टेलीफोन लाइन और अन्य कितनी लाइनें हैं उनकी खुदाई चल रही है, वो भी बहुत धीमी गति से चल रही है। जहाँ जहाँ पर्यटक केंद्र है, पर्यटक हेरिटेज है, उन मार्गों को बिल्कुल ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। आप देखें कि सज्जनगढ़ का ये मुख्य मार्ग है जहाँ पर बजरी डाल दी गई है और बरसात का सीज़न है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। सज्जनगढ़ पे बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। तो ये सज्जनगढ़ का मुख्य द्वार, तो हम भी आप से जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस रोड को दुरुस्त कराएं, क्योंकि बरसात के सीज़न में खूब सैलानी यहां पर घूमने के लिए आते हैं, आनंद लेने आते हैं, चाहे मानसून पैलेस हो, चाहे सिटी पैलेस हो, चाहे कुंभलगढ़ हो, चाहे और भी पैलेस हमारे हैं, सुंदर सुंदर झीलों को देखने के लिए लोग पर्यटक आते हैं। और इस तरह से क्षतिग्रस्त हालत को देखकर उनके दिल पर कैसी बीती होगी, उदयपुर विश्व का सबसे खूबसूरत शहर देखने के लिए आते हैं, न कि ऐसे गड्ढे देखने के लिए आते हैं। जिला प्रशासन से आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी इस रोड को दुरुस्त करके करने में सहयोग करें।